तो महासंग्राम का महाकवरेज लगातार चल रहा है और ताम्रध्वज साहू ने टिकट मिलने के बाद आलाकमान का शुक्रिया किया, ये भी कहा कि हमारा 5 साल का कार्यकाल और जनता की खुशहाली हमें जीत दिलाएगी। कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और इसके तहत अब दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ही चुनाव लड़ेंगे और अब लिस्ट जारी होने के बाद में काफी समर्थकों में काफी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और अब जो है ताम्रध्वज साहू सीधे मैदान पर उतर गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। एक बार फिर आपको मौका मिला है, किस तरह से देखते हैं? फिर से दोबारा अवसर दिए हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा, राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास व्यक्त मुझ पर किया है उसके लिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गा जी का, आदरणीय सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी सभी का, हमारे भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के रूप में, इन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि दोबारा मुझ पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। दुर्ग ग्रामीण की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि पिछले 5 साल में जो प्यार उन्होंने मुझे दिया, जो स्नेह, जो आशीर्वाद दिया, इसलिए पुनः मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिला है। मैं कोशिश करूँगा बहुत अच्छा काम करके उनका विश्वास पुनः जीत सकूँ। एक अंतिम सवाल कि अब फिर से चुनाव हो रहा है, फिर से जंग की बारी आ गई, इस बार कांग्रेस किस तरह से रहेगी, कितनी सीटें ला? हम लोगों ने पहले ही नारा दे दिया है कि अभी हम लोग 71 हैं और उसको बढ़ाने की दिशा में हमारा काम चल रहा है और इसलिए हमारा कांग्रेस का नारा है अब की बार 75 पार। तो ये थे ताम्रध्वज साहू जी जो बता रहे थे कि हर विधायकों का परफॉर्मेंस देखा और उसके बाद तो जो है सभी को टिकट दी गई है और इस बार जो है वो जो पार्टी बेहतर प्रदर्शन के दम पर इस बार 75 पार सीट लाएगी। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश। और इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हुई, लोगों में बहुत उत्साह है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कहते थे कि दूसरी सीट वो खोज रहे हैं उनका मुंह बंद हो गया। शारदीय नवरात्रि की सबको बधाई, आज नवरात्रि का पहला दिन और सभी को बहुत बधाई और शुभकामना। आज कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई है और बहुत उत्साह है लोगों में। मुझे भी पार्टी ने टिकट दिया तो आला कमान के प्रति हृदय से आभार। साथ ही जो लोग कहते थे दूसरी चीज खोज रहे हैं, है ना, तो उनका भी मुंह बंद हो जाएगा आज के बाद से। जो सर्वे हुए हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो भावनाएं थी उनके अनुरूप ये फैसला किया गया। और यहाँ तक कि गिरीश देवांगन जी एक कार्यकर्ता के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और महामंत्री बने और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष भी बने, लगातार उनकी सक्रियता राजनांदगांव जिले में, खैरागढ़ में लगातार बनी रही है। तो सर्वे भी नाम में हुआ तो सबसे जो अधिक अंक मिले उसमें गिरीश देवांगन जी का है। रमन सिंह की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।